अगर आप एक नए क्रिएटर से आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, मोनेटाइज चैनल होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्रांड कनेक्ट का। अब ब्रांड कनेक्ट का अपडेट जो 10 महीने पहले अपडेट हो चुका था यूट्यूब पे, ठीक है। अब जैसे भी चैनल मोनेटाइज होते हैं लोग बाबू के, ऐसी ब्रांड कनेक्ट का ऑप्शन मिलता रहता है। अब ब्रांड कनेक्ट है क्या चीज, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मेरे चैनल पे भी ब्रांड कनेक्ट का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अब ब्रांड कनेक्ट है क्या चीज, मैं इसके बारे में सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। कनेक्ट को कैसे इनेबल करेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो मेरे दोस्त, ब्रांड एक कनेक्ट ये जो है ना, एक मान के चलो स्पॉन्सरशिप मिलता है हमें। अब क्या है, YouTube आपको खुद से ही बता देगा, आपको किसी की ईमेल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान के चलो आपने अपने बायो में डाटा, मतलब अपने बायो में YouTube में अबाउट में आपने ईमेल दे रखी है, बिजनेस ईमेल, ठीक है, जिससे कि आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब कुछ ज्यादातर जो फेक ईमेल आती है स्पॉन्सर की, और कुछ आती है रियल ईमेल, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा फेक कैसी है और रियल कैसी है, अब ये चीज आपको यूट्यूब ही बताएगा। आपको यूट्यूब आपके खुद ईमेल कर देगा, आपको बता देगा कि ये स्पॉन्सर सही है, ठीक है, मतलब यूट्यूब की तरफ से ही आपको पता चल जाएगा। अब ब्रांड कनेक्ट का मतलब यही है, क्योंकि YouTube खुद आपको बताएगा स्पॉन्सर में आपको प्राइस डालनी पड़ेगी, कितनी प्राइस आपको चार्ज करनी है अपने सब्सक्राइबर के रिकॉर्डिंग, ये चीजें ब्रांड कनेक्ट में ही मिलेंगी आपको। अब ब्रांड कनेक्ट का ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया कि ये ब्रांड कनेक्ट का ऑप्शन जो आ रहा है वो स्पॉन्सर में आ रहा है। अब इसको इनेबल कैसे करेंगे, इनेबल करने का तरीका क्या है, ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जैसे मेरे दोस्त यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर मेरा यहाँ पे चालू है, मेरे सामने यहाँ पे आ रहा है ब्रांड कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे हम ब्रांड कनेक्ट वाले ऑप्शन पे अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये देख सकते हैं ब्रांड डेली यहाँ योर ऑडियंस, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है टर्न ऑन का ऑप्शन। अगर हम यहाँ पे इससे टर्न ऑन कर देंगे तो यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो जाएगा, और इसको कनेक्ट करने के लिए जैसे मान चलो हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे हमारा बायजू स्टूडियो ओपन हो चुका है। तो आपको यहाँ पे एक अन का ऑप्शन मिलता है, तो आपको सिंपली अन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आपका पूरा बायजू स्टूडियो जो है अन वाला सेक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पांच पेज इनेबल कर रखा है, शॉर्ट फीड इनेबल कर रखा है, मेंबरशिप और यहाँ पे सुपर चैट सब कुछ मैंने यहाँ पे इनेबल कर रखा है। अब आपको यहाँ पे ब्रांड कनेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, ये वाला यहाँ ये आ रहा है ब्रांड कनेक्ट का। अब सिंपली आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पे अपनी प्राइस अपने सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस को सेट करना है। अब आपको यहाँ पे अपनी प्राइस सब्सक्राइबर के रिकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, जैसे यहाँ पे आ चुके हैं तो यहाँ पे आपको साइड में यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं अगर यहाँ पे आप ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरीके का ब्योरा आ जाएगा आपके, यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे आपका बायोडाटा आपका चैनल का, मतलब की कोई स्पॉन्सरशिप मिलेगी तो यूट्यूब आपका पूरा का पूरा बायोडाटा इस तरीके से दिखा देगा, ठीक है, जब आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते क्या, इसको हम कर देते हैं बैक। अब इसको पैक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे फिर से यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे मिला होगा सेट यहाँ पे सजेशन प्राइस, ठीक है। तो आपको करना है इस वाले पे क्लिक, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं मैंने अपने सब्सक्राइबर के रिकॉर्डिंग जो है लॉन्ग वीडियो के यहाँ पे प्राइस डाल रखी है 5,000 रुपए और शॉर्ट वीडियो के 1,000 रुपए स्पॉन्सरशिप में, ठीक है। जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं उसके रिकॉर्डिंग आप अपने तरीके से प्राइस यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे प्राइस सेट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना, यहाँ पे ब्रांड कनेक्ट आपका यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको इसी तरीके से ब्रांड कनेक्ट को ऑन करना है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं, यहाँ पे प्राइस सेट कर सकते हैं, आपको स्पॉन्सर यहाँ पे इसी तरीके से मिलेगी। तो ये था ब्रांड कनेक्ट के ऊपर वीडियो। अब यूट्यूब आपको ईमेल करके बताएगा कि आपको ये बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, मतलब आप उस तरीके से स्पॉन्सर अपनी कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे आपके चैनल का खतरा नहीं होगा। अगर मान चलो आपको 10 ईमेल आ गई, आपने कोई बिजनेस ईमेल में डाल रखा है, ईमेल डाल रखा है, वहां पे 10 ईमेल आ गए और 10 में से एक स्पॉन्सर वाली सही है और 9 खराब है, आप उस पर क्लिक कर दिया आपका चैनल हैक हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा फोन हैक हो जाएगा। तो आप हैकर से बच सकते हैं इस चीज से, ठीक है। तो आपको यही ब्रांड कनेक्ट इसी तरीके से कर लेना है। तो आज की वीडियो में आपको यही सब कुछ बताने वाला था कि ब्रांड कनेक्ट को आप किस तरीके से ऑन करेंगे। तो मेरे दोस्त यही सही तरीका है ऑन करने का और कनेक्ट करने का। तो आज की वीडियो में आपको सारी बातें कंप्लीट तरीके से समझ पाएंगे तो कमेंट में जरूर बताना। अगर आज का आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो YouTube से लेके मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।